बाढ़ ने किया लोगों को घरों से रोड पर रहने को मजबूर। जनपद लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र की ग्राम सभा डेवर में शारदा नदी से बाढ़ का प्रकोप जारी है। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। जिधर नजर उठा के देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीण अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं। सभी के घरों में पानी भरा हुआ है। गांव के अंदर चल रही है नाव और गांव में नाव के जरिए ही आना जाना पड़ रहा है। कई घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। ग्रामीणों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। धान व गन्ने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। घरों में पानी भरने की वजह से ग्रामीणों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। ग्रामीण सरकार से मदद मांग रहे हैं। ग्राम प्रधान अफरोज आलम द्वारा गांव में नाव के जरिए लंच पैकेट वितरण किया जा रहा है। वहीं पूर्व प्रधान रंगीलाल द्वारा भी लंच पैकेट वितरण किया जा रहा है। इंडिया नाव 24 की टीम ने ग्रामीणों व पूर्व प्रधान की मदद से नाव के जरिए कवरेज किया। ईसानगर पुलिस का सहयोग मिला। शिव नरेश पांडे होमगार्ड साथ रहे। लखीमपुर खीरी से फारूक अख्तर, कमलकांत पांडे एवं माधव राम पांडे की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया नाव 24। मैं फारूक अख्तर। आज हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। ईसानगर क्षेत्र के ग्राम सभा डेबर में इसमें पहुंच चुके हैं, जहां पे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। जिधर निगाह उठा के देख लो उधर पानी ही नजर आ रहा है। पूरा गाँव पूरी तरह से डूब चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि गाँव के अंदर हम लोग नाव से चल रहे हैं। हमारी टीम जो है नाव के द्वारा गांव के अंदर रिपोर्टिंग कर रही है। पूरा गांव जो है पूरी तरह डूब चुका है और हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है क्या पोजीशन यहां की चल रही है। हम लोग ग्रामीणों की मदद से नाव के जरिए से हमारी टीम इंडिया नाव 24 की टीम 2 किलोमीटर चल के पैदल हम सब पहुँची है, यहाँ पे गाँव में पहुँची है। हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा हाल दिखा रहे हैं ग्राम सभा का कि क्या स्थिति ग्राम सभा की हो चुकी है। लेबर ग्राम सभा की ये हालात यहाँ के बहुत ज़्यादा खराब है और सरकारी कर्मचारी कोई यहाँ देखने तक नहीं आता। प्रधान व प्रधान द्वारा जो है यहाँ पे लंच पैकेट वितरित कराए जा रहे हैं। खाना बराबर भोजन वितरित कराया जा रहा है। बाकी यहाँ की पोजिशन हम आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ जल जल नज़र आ रहा है। तबाही का मंजर नजर आ रहा है कि सब घरों के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे दिखा देते पानी नजर आ रहा है। हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ जैसे दिखाएंगे कि ये सामने जो मजे मजे ये भी पानी ना खले आओ सब लोग पानी का हो हम लोग पानी खले आओ पानी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ ये पूरा हस्त ग्राम सभा डेवर का है। यहाँ पर लोगों के बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पर जो चारपाइयाँ हैं देखिए वो पानी में पड़ी हुई है। लोग नीचे पानी भरा है, ऊपर चारपाई के ऊपर बैठते हैं। ये देखिए घर पूरा का पूरा घर ढह गया है। ये शारदा नदी की बाढ़ का प्रकोप है। इस बाढ़ के प्रकोप से गांव वाले भी वंचित नहीं रहे और पूरी तरीके से गांव वालों का काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरा गांव लगभग क्षतिग्रस्त हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। मुरारी का घर और ये देखिए यहाँ पर चारपाई पानी के अंदर पड़ी है। ये देखिए जो खड़ी कर रहे हैं चारपाई, ये पानी के अंदर पड़ी थी। यहाँ लोग पानी में ही लेट रहे हैं। नीचे पानी, ऊपर चारपाई, चारपाई के ऊपर बच्चे छोटे छोटे लेटते हैं। और काफ़ी घर गिर चुके हैं। जो कच्चे घर थे लगभग लगभग सभी गिर ही चुके हैं। अरे भैया परेशान ना हो। अब ये तो बन देख सकते हैं कि लकड़ी पर से कमर के बराबर पानी। अरे पकड़ ले।
देखो ये आदमी वही पांच उतरते लकड़ी करे रुक जा पीछे कर ये नाव के जरिए से इनको यहाँ लाया गया था भी अब इनको यहाँ पर उतारा गया है इनके घर के पास। अब देख सकते हैं कि ये लोग अपने घर जा रहे हैं तो कितना कितना पानी जो है पड़ रहा है। हेलो हरियाणा 24 की टीम लगभग 2 किलोमीटर चल के पहुंच चुकी है गांव के अंदर और ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी है और हरियाणा 24 आपको दिखा रहा है, ये चीज़ें दिखा रहा है जो आपको कोई नहीं दिखा सकता। जो हरियाणा 24 आपको दिखा रहा है हम दिखा सकते हैं आपको कि ये देख सकते हैं कि ग्राउंड लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। ये रिपोर्टिंग आपको कोई चैनल नहीं दिखा सकता जो हम दिखा रहे हैं आपको हरियाणा 24 के द्वारा। यह कि घर में हम जाकर देख रहे हैं, गली गली में हम जाकर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। तो यहाँ की बहुत नाजुक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है यहाँ पे चारों तरफ, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, घरों के अंदर घरों के बाहर सब पानी ही पानी, जल ही जल दिखाई दे रहा है। कुछ कहना है बाबा आपको? ग्रामीण अपना घर नीचे का छोड़ के ऊपर छतों पे रहने के मजबूर, तराही मची हुई है इस ग्राम सभा में। पूरा घर जो है गिर गया है बाढ़ की वजह से, पानी यहाँ पे कमर कमर पर पानी है। और शासन द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं इनको मिल पा रही है, कोई राहत सामग्री भी इनको नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है पूरी तरह से। और घरों में पानी भरा हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी जो है ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है खतरा भी मंडरा रहा है इनके ऊपर कि इतना पानी ज़्यादा है कि बच्चों को भी खतरा बहुत ज़्यादा है। इससे वीडियो माध्यम से दिखा रहे हैं कि घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ये जिंदगी अपनी असर कर रहा है। पूरा घर के अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर अंदर जा भैया, ठीक है तो हम चलो 2000 के बाद से आए महात्मा 2000 हम तो बदे अब। अच्छा लाओ हम नए वही लगाए जी कारण यू है तो हम तो तुमको 2000 बता रहे हैं, तुमका मतलब तुम यहाँ पे ले रहा है, हमको लगता है तुम हमको लगे तो लगे काम अरे बस बच्चों गेट पे सोते हैं। देख सकते हैं कि घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं क्या करें, ग्रामीण कहाँ चले जाएं,
पूरा सैलाब सैलाब पानी ही पानी दिखाई दे रहा चारों तरफ। दोनों लगा लिए बाद का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय एक घर में पहुंचे हैं जाके जहां घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि पूरा पानी जो है घर के अंदर चल रहा है और कहां जाए जनता कहां प्रतिक्रिया जाए इतना परेशान हो गया है बाढ़ की वजह से कि घर के अंदर इन लोग को रहना मुश्किल है। क्या नाम है आपका? नाम कब से पानी ये भरा है बाढ़ का? ये बात है बुध बुध से ज्यादा बढ़ गया है पानी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग खाना पीना कहाँ बना रही हैं, क्या कर रही हैं? खाना पीना बना रहे हैं छत के नीचे। दूसरे की यहाँ बना रहे हैं? दूसरे की। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रधान द्वारा कोई आपको खाना पीना भिजवाया जा रहा है? नहीं भिजवाया जा रहा है। पुराना वाला प्रधान मदद थोड़ी बहुत करते हैं और गीता वाला कुछ भी नहीं करते। अच्छा, जो पूर्व प्रधान है क्या नाम है उनका? रंगीलाल। उनके द्वारा आपको खाना पीना की व्यवस्था की जा रही है? और जो प्रधान जो मौजूदा प्रधान है उनके द्वारा कोई आपको सुविधा नहीं दी जा रही? सुविधा ना, कोई तनखी सुविधा देता ही नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वक्त मेरी पूरी टीम इंडिया नाउ 24 की पूरी टीम हमारे साथ में है और पूरी टीम के साथ हम कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम ग्राम सभा डेवर में चल रही है जबकि रास्तों पर लगभग 5 फीट से ऊपर पानी है, तो खेतों में होकर के गन्ने के खेत में होकर के हम अपनी नाव का सहारा लेकर के चल रहे हैं। और देखिए चारों तरफ गन्ने का खेत जो गांव के बाहर है उनमें भी पानी भरा हुआ है। जबकि हमारी पूरी टीम चल रही है, पूरी टीम काफ़ी जद्दोजहद करके काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। लगभग 3 घंटे से हम लोग कवरेज कर रहे हैं और अभी भी पानी का कहीं और छोर हम लोग पता नहीं लगा सके। देखिए ये एक बुजुर्ग आदमी लगभग 75 साल के हैं, वो पानी में ही चले आ रहे हैं और कहाँ चले जाएं जब चारों तरफ पानी ही पानी है। आप हमारे इंडिया नाउ 24 टीम के माध्यम से ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं क्योंकि पूरे गांव में ग्राम सभा डेवर में पूरी तरीके से पानी ही है, जिधर देखो उधर पानी। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा गांव जलमग्न है। यह सैलाब पूरा लगता है ग्राम सभा डेवर में ही आ गया है जबकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से इंडिया नाउ 24 की टीम के माध्यम से देख पा रहे हैं जबकि इस वक्त हम अपनी पूरी टीम के साथ नाव का सहारा लेकर के ग्राम सभा डेवर में मौजूद हैं, घर घर जा कर के और घर घर जा कर के ये सभी चीज़ें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि प्रत्येक घर के अंदर लगभग लगभग पानी भरा हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमाकांत तिवारी नाम है। ये आपकी कौन सी ग्राम सभा है? देवर है। देवर जी, किस ब्लॉक में आती है? ईशानगर ब्लॉक की सर। अच्छा अच्छा, तो ये बाढ़ का जो पानी आया हुआ है ये किस नदी से है? ये शारदा नदी से है। ये कितने दिनों से है? ये 5-6 दिन से है। बराबर बाढ़ यही तो सर सोते हैं सर, कुआं पर सोते हैं इधर, हाँ ये मंदिर पर कुछ लोग सोते हैं। तो इस पर कितने लोग आ जाते होंगे और कोई बाहर तो निकले होंगे गांव से? हाँ, बाहर भी सड़क पर भी हैं। अच्छा, जिनके घर डूब चुके हैं पूरी तरह तो वो समय कहाँ पे रह रहे हैं? वो सभी सड़कों पर और स्कूल में रह रहे हैं? स्कूल में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुआं पर है कुछ इधर मंदिर। तो 4-5 दिन से गांव के अंदर बाढ़ है जी। कोई शासन प्रशासन से आपके गांव को आया या नहीं? नहीं, नहीं आया। आपके लेखपाल या सेक्रेटरी महोदय? लेखपाल सर यहां तो आए नहीं, उधर आए। अच्छा अच्छा, यानी ऊपर ऊपर ही रहे, पानी के अंदर नहीं आए? जहाँ पर समस्याएं हैं वहाँ पर जो है कोई नहीं पहुँचा है। कल ये प्रधान जी पोड़ी वोड़ी बटवाया है इन्होंने। अच्छा, मौजूदा प्रधान जो है वो किस कर रहे हैं? वो भी बटवा रहे हैं। क्या नाम है वो मौजूदा प्रधान का? अफरोज आलम। ये पुराने प्रधान भी बटवाए हैं कल। रंगीलाल? हाँ रंगीलाल जी। और वहाँ पर जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नंदराम।
आप किस ग्राम सभा से हैं? ग्राम सभा डेवर। डेवर, यहाँ पर बाढ़ का पानी कितने दिनों से चल रहा है? एक हफ्ता से चल रहा है लगभग। एक हफ्ते से? यहाँ पर कोई शासन के द्वारा कर्मचारी अधिकारी आया या नहीं आया? हाँ, लेखपाल साहब आए हैं और कोई नहीं आया। लेखपाल साहब आए यहाँ तक आए? हाँ आए तो हैं, ग्राम सभा लगाए हैं। ग्राम सभा तक आए या आप लोग यहाँ पर पानी के व्यवस्था से नहीं आया? जहाँ पर लोग पीड़ित हैं पानी से वहाँ पर लेखपाल साहब नहीं आए? हाँ, लेखपाल साहब इतने पर लगना पानी के जरिए से आया, सिर्फ ऊँचे ही रहे। क्यों? अच्छा, और कोई आया? और कोई नहीं आया सर। क्या प्रधान जो आपके ग्राम सभा के हैं उनके द्वारा आप लोगों के लिए हाँ बचाव कार्य किया गया? हाँ, वे किया गया, खाना वाना बटवाए रहे हैं, बनवाए के हैं, बटवाए नहीं। और जो यहाँ से पीड़ित हैं जिनके घरों में पानी भरा हुआ है उनको कहाँ पर भेजा गया? हमारा भी सर इधर पानी में है, पूरा घर डूब गया है, तो इधर मंदिर पर माई दे परेहन लड़का परेहन इतने पर ऊँच है परेहन कुछ ना। अब बाकी गाँव बहरी निकाली गए हैं तब कोई सड़कन पर पड़ा है, कोई कहूँ पड़ा है। रमेश कुमार, आप वीडियो ये बाढ़ कब से आई है? ये बाढ़ आज हो गई, 5-6 दिन हुई। महिलाएं देखो पानी तो में, ये गांव के अंदर पानी कब से घुसा है? ये गांव चार दिनों से गांव के अंदर पानी घुसा हुआ है। कोई कर्मचारी या अधिकारी आया? कोई नहीं आया, बच गए। आपने आप लोगों ने प्रधान जी से कहा या नहीं कहा? प्रधान जी इधर आए या नहीं आए? प्रधान जी आए हैं, बनवा रहे हैं। नहीं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? राम मूर्ति। आप इसी गांव में रहते हैं जी? क्या आपके घर के अंदर भी पानी घुस चुका है? ये पानी भरा है कमर से ऊपर के ऊपर है पानी, कमर से ऊपर पानी है। तो आप लोग फिर खाना पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? खाना पानी दूसरी जगह जाके हम बनाते खाते हैं। अच्छा, प्रधान जी कोई खाने की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं? हाँ, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब और जो आपके भूतपूर्व प्रधान? हाँ, वो भी कर रहे हैं। रंगीलाल जी, क्या वो भी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं? कर रहे हैं वो भी। आप लोगों को खाने की इसका मतलब कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, मगर अब रहने की और बैठने की दिक्कतें हैं? बैठने की दिक्कत जी जी, आगे प्रशासन तक भी आते हैं। और अब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अरे, यह बात जो है आगे प्रशासन तक पहुँचे। क्या अभी कोई प्रशासन से आया या नहीं आया? कोई नहीं आया, यहाँ तक कोई नहीं आया। तो आप लोग को प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आए? देखे समस्या तो जो कह पाओ तो अपन समस्या भी कर रहे हैं। क्या स्थित है इस समय? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? प्रेम प्रकाश। यहाँ पर अच्छा, ये बाढ़ कितने दिनों से है? आज 5 दिन हो गए। इस वक्त नदी टूट रही है, बढ़ रही है? रुकी है, बढ़ रही है नदी, बढ़ रहे हैं नदी। अच्छा, फिर से पानी छोड़ा गया है? जी, पानी का छोड़ा। अच्छा अच्छा, तो ये 4 दिनों से ऐसी स्थिति है, बहुत ज्यादा खराब चल रही है। यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आया? कोई नहीं। आपके लेखपाल साहब सेक्रेटरी हैं आपके? कोई नहीं आया। आपके ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं, आप प्रधान? मैं बोले सब मौजूदा प्रधान। अच्छा, दोनों ने व्यवस्थाएं क्या की हैं? पूरी सब्जी, पूरी सब्जी बनवा रहे हैं? तो और प्रधान क्या करे? प्रधान खाना पहन रहा। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सहायता हम लोगों को मिल जाए? अरे, फसल उसल क्या बताओ, जब फसल तो सारी चली गई। हो हमारी फारूक अख्तर और माधव राम पांडे जी हमारे साथ में ही हैं। चलो बहरान लेकर चलो, हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ जल के अलावा कुछ नहीं है।
नदी का विशाल रूप हम आपको दिखा रहे हैं। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, नदी में सब बह चुकी है धान की फसल। धान वाले लग रहे हैं, धान ले आ रहा है सब। यहाँ पर चल यहाँ पर ढले ढले वाले चले ढले ढले काफी पानी है यहाँ पर। ये देखते हैं कि ये घर पूरा बूढ़ा पड़ा हुआ है, डूब गया है, पूरी तरह से डूब गया है। और ये सुलभ शौचालय बनाया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, योजना है उसके तहत बनाया गया था। देख सकते हैं कि पूरी तरह बुड़ चुका है, डूब चुका है, डूब चुका है पूरी तरह से। ये सार्वजनिक शौचालय है जो पूरी तरीके से नदी सागर नदी के जल से डूब चुका है, पूर्णतया जलमग्न है। और इसके अंदर हाँ ज्यादा जोर से न लगा ना, मुंह मत लीजिए। हाँ देख सकते हैं आप कि ये हम घर आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह डूब चुके हैं। और आप उम्मा लगाओ, ये घाघरा का रूप हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हाथ लगा दे रहे हो, मान लगा चाहे लगा मगर इस सागर हले और जाए हले हले। समय ग्राम सभा डेबर में हम हमारी टीम चल रही है, 24 की टीम। हम आपको लोग जा रहे हैं जरूरी है। घुमाते थे घुमा देते उतार देंगे कर रहे हैं, जबकि मौजूदा प्रधान जी बंच पैकेट बंटवा रहे हैं। अब जो समस्याएं हैं लोगों की विकास खंड ईशा नगर के ग्राम सभा डेबर में डेबर की स्थिति दिखा रहे हैं कि क्या पोजीशन हो गई है, कि सारे घर डूब गए, पानी में डूब गए, सब घरों में पानी भरा हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कि बहुत हालात खराब है। क्या हालात है यहाँ के, हम आपको दिखा सकते हैं घरों के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। किस तरीके से त्राहि त्राहि मची हुई है ग्राम सभा में, जलमग्न हो चुका है पूरा गांव। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, सब घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी भरा है नाव के जरिए, हम लोग गांव के अंदर घुट रहे हैं। हमारी टीम इंडिया नाव 24 नाव के द्वारा अंदर जा रही है। और ये देख सकते हैं आप, सब घरों में पानी भरा, डंडा आगे लगा हुआ रखवा आदमी छत के ऊपर अपने रहन सहन कर रखा। अरे नल है, नल है, नल पा नल मा लड़ जाई पा वो अपने वैसे दे दो, आज दिखाई दे दो। अच्छा दिखाई दे कने लागे दिन ठाणी है सर है ना, घरों के अंदर पानी घुस गया है। इधर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, उसके अंदर लगभग 3 फुट से ऊपर ऊपर पानी है। ये यहाँ पर पंचायत भवन भवन बनवाया जा रहा था, उसमें भी पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का सहारा लेकर हम लोग गाँव के अंदर ठीक है।
सभी लोग घर के छत पे रहने को मजबूर आपको पूरी तरह घर गिर चुका है। बल्कि हमारे साथ में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, वो हमारे साथ में नाव में चल रहे हैं। नाव के जरिए हम लोग जो है वो गांव के अंदर नाव चल रही है, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पूर्व प्रधान जी के वहां पर, जहाँ पर मतलब जो स्थिति है मौके की वहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से, और हम प्रधान जी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हाँ प्रधान जी, क्या नाम है आपका? रंगीलाल जी। अच्छा अच्छा। ग्राम पंचायत डेवर विकास खंड ईसानगर जी, तहसील नौरारा, जिला लखीमपुर खीरी जी। मैं पूर्व प्रधान इस ग्राम सभा का हूँ जी। हमारे जो ये ग्राम पंचायत डेवर में शारदा नदी का जो बाढ़ सैलाब बहुत अधिक है जी, वो आप लोगों को आने के माध्यम से मुझे बहुत बड़ी ये जन खुशी हुई है कि हमारे गांव वालों को ये मालूम हुआ कि हमारे यहाँ कोई पत्रकार बंधवाए और इस बात को प्रशासन तक पहुँचाने तक काम किया जी। और हो सकता है तो प्रशासन ये इस बात को सुने तो हो सकता है पब्लिक का जन कल्याण हो। इसी जन कल्याण के आधार से मैं, हमारे गार्ड साहब साथ में थे, पूरी नाव से फुल यात्रा की गई, गांव में सर्वे किया गया, लोगों की समस्या सुनी गई। गार्ड साहब का नाम क्या है? गार्ड साहब का नाम है शिव नरेश पांडे जी। अच्छा, शिव नरेश पांडे जी आपके साथ में जी? साथ में थे कमलाकांत पांडे और फारूक अख्तर भाई, ये माधवराज इंडिया नाइन इंडिया 24 के माध्यम से बहुत बड़ी मेहनत और मशक्क़त से नाव की यात्रा करके पूरा गांव में सर्वे किया। बस नमस्कार, इंडिया 24 में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं इस समय ईशानगर की ग्राम पंचायत देवर में, जहां पर जो है प्रधान जी द्वारा जो बाढ़ सामग्री है वो बाढ़ राहत को लेकर उनके गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई है, तो पूरा गांव जो है डूब चुका है। तो हम अभी थे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे, हमने आपको दिखाया कि क्या किस हिसाब से बाढ़ आई है। अब पहुंच चुके हैं प्रधान जी के दरवाजे पे, जहां पे जो है लंच पैकेट पैक करे जा रहे हैं और खाना जो है जो पीड़ित होम के लिए खाना जो है और पीड़ित लोगों के लिए खाना यहाँ पे बन रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं खाना यहाँ बनाया जा रहा है, कैमरा मैन देंगे जरा दिखाएंगे। अब रोज आलम, आप कौन सी ग्राम सभा प्रधान हैं? ग्राम सभा डेवर। ग्राम सभा डेवर के, तो ये बाढ़ जो आपके यहाँ आई है तो इसके संबंध में कुछ जानकारी देंगे? कितने दिनों से बाढ़ प्रकोप ज़्यादा कर रखी है? 3-4 दिन से बहुत प्रकोप ज़्यादा कर रखी है। 3-4 दिन से प्रकोप ज़्यादा है? ज़्यादा है। अच्छा, तो कितने ग्राम सभा आप में कितने जो है मौजे आते हैं ग्राम सभा में? मौजे 7 आते हैं। और कौन से जरा बताएंगे? मंगलिया बाकेपुरवा जी, कटैलापुरवा, धोबेनपुरवा, नंदूपुरवा, पुतुपुरवा। तो क्या सरकारी कर्मचारी या कोई सरकार की तरफ से कोई बाढ़ पीड़ितों को कोई सुविधा दी गई है अभी तक? हाँ सुविधा दी गई, सुविधा भी नहीं दी गई लेकिन देने के लिए कहा है। अच्छा, तो आपके द्वारा ग्रामीणों के लिए क्या किया जा रहा है? पूरी सब्जी बनवाई जा रही है जी। हाँ, इसका हो सकता है अगर गवर्नमेंट पैसा भेज दे तो आ जाएगा, वरना अभी चल ही रहा है। मतलब खाना ही अपने आप अपने द्वारा कर रहे हैं? अपने द्वारा अभी कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट दे देगी तो मिल भी सकता है। अच्छा अच्छा, तो कितनी ग्राम सभाएं मतलब आप भी कितना खाना वितरण कर देते हैं मतलब एक दिन में? एक दिन में 1700-1800
लंच पैकेट हो जाते हैं और जो यहाँ पे आ जाता है तो बैठ के दिखा लेता है। तो यहाँ जैसे कि पूरी गांव में आपके पानी भरा हुआ है जल, मगर पूरा गांव आपका हमने देखा कि डूबा हुआ है, डूबा हुआ। तो खाना किस माध्यम से आप पहुँचाते हैं जो है वहाँ? नाव द्वारा भी पहुँचाते हैं और यहाँ से भी दे देते हैं, घर पे जाके पहुँचा देते हैं। सब आदमी लगे हुए हैं। चलिए चलिए। और बाकी हमारे लेखपाल प्रतीश कुमार, तो लेखपाल यहाँ के आगे को लिखा पड़ी उन्होंने की कुछ सर्वे वगैरह किया गांव का कि नहीं किया? सर्वे पूरा गांव का कर लिया है। तो आपने उनको पूरा सर्वे करवा दिया? सर्वे करवा दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सब कुछ मिलेगा। चलिए चलिए। क्या नाम है आपका? जुफरान खान। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा है? देवर। तो ये जो खाना बन रहा है कितने से वितरण हो रहा है? ये पूरे ग्राम सभा के मतलब। तो कितने दिनों से, कल से बन रहा है, कब से बन रहा है ये? कल से। अच्छा, कितने पैकेट वितरण हो जाते हैं रोज? हो जाते हैं 36-37 से हो जाए, 36-37 से। अच्छा अच्छा, तो कौन कौन सी ग्राम सभा में जाता है खाना? अपने ग्राम सभा को। अरे उसकी मजरे कितने, मजरा कितना है उसके? नंदू प्रवाह है चार, डन्ने प्रवाह है, कटेला प्रवाह, मंडनिया। अच्छा, सब सब जगह बराबर जा रहा है खाना? हाँ, सब जगह बराबर जा रहा है, नाव से खाना जा रहा है। तो क्या कितने शिफ्टों में खाना बनता है यहाँ पे? पूरा दिन बनते तो है खाना, बनते तो है दुकान का खाना क्या होते हैं, रात के 12-1 बजे खाना, 12-1 बजे तक छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, 12 बजे तक खाना बनता है बराबर? 12 बजे रात लगे। और प्रधान जी यहाँ के जो हैं उनके पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हमका सबका सपोर्ट बिल्कुल, पूरे गांव 1500 रुपया मदद करते, सबकी मदद करते हैं। क्या नाम है प्रधान का? पानी में क्या नाम है प्रधान का आपके? अफरोज आलम। अफरोज आलम जी अच्छा है। और भैया नाडा लगी है देखो गांव में, कोई गलत नहीं, नाम जाए के पूरी सब्जी बांटा जाते हैं। अच्छा अच्छा, अपने घर जावा जाते हैं। देखिए भाई साहब, बताएं हम जो प्रधान जी का है, उनसे पूछिए क्या नाम है आपका। प्रधान कोई नहीं बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? राम रानी नाव है हमारा, धोबी नाव। अच्छा अच्छा, तो आपको ग्राम प्रधान द्वारा क्या सुविधाएं मिल रही है? बढ़िया है। अच्छा, खाना वाना बराबर सबको वितरण किया जा रहा है? कोई लिखित नहीं आती। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग हुआ पानी में पड़े, हमारा हुआ घर हुए, हुआ खाना जाते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ हम यहाँ रहते प्रधान। अच्छा हाँ भाई साहब, आप तो जाना में नहीं मिला थे, कोई चिंता तो कह दे तो गलत काम। तो ये कब से खाना वितरण हो रहा है? कल से बराबर खाना वितरण हो रहा है। पहले 5 बजे लगा लगते थे बनते ना। तो कितने लमसम कितने पैकेट खाना बढ़ जाता है? बढ़ जाता है 35-36 से। अच्छा, रोज का? रोज डेली। तो ये सुबह दिन भर चलता है खाना वाला कार्यक्रम? सुबह 8 बजे से लगा लगा है, 12 बजे रात तक बंद करता है। अच्छा, 12 बजे बनता है खाना बराबर। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान हाँ, अफरोज आलम। अफरोज आलम, कौन से ग्राम पंचायत है ये? डेबर। डेबर, ठीक।